कक्षा 11 गणित 2G.5 किसी गुरुत्व श्रेणी का अंतिम पद 64 सार्वानुपात 2 तथा n पदों का योग 127 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पद को किसे दर्शाते हैं? n से। पहले आप प्रश्न को समझ लीजिए, हमको क्या निकालना है? पदों की संख्या, मतलब हमको n का मान ज्ञात करना है। अगर हल करेंगे तो हमको किसका मान ज्ञात करना है? n का, क्योंकि पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। अब इसमें दिया है, इससे हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो क्या दिया है? गुरुत्तर श्रेणी का अंतिम पद 64। याद रखना है, अंतिम पद को या तो एल से दर्शाते हैं या टी एन से। इसको किससे दर्शाएंगे? टी एन से। हम लिख देंगे टी एन। तो ये जो 64 है वो किसका मान है? टी एन का मान है। और एन पदों का योग 127। तो योग को किससे दर्शाते हैं? एस एन से। तो ये 127 किसका मान है? एस एन का। क्लियर? ये टी एन और ये एस एन। अब दो प्रकार के इसमें फार्मूला लगेगा, एक एस एन वाला और एक टी एन वाला, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी का लगाना है। तो एस एन में भी दो प्रकार होता है, एक आर छोटा एक, एक आर बड़ा एक। तो यहाँ पर इससे हमको पता चल जाएगा, देखिए सार्वनुपात, तो सार्वनुपात मतलब एक किसका मान है? आर का मान। तो आर का मान क्या दिया है? दो। अब हम आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले आप लिख लेंगे कितना कितना दिया है। ये अंतिम पद मतलब क्या दिया? टी एन। तो ये टी एन बराबर कितना दिया है? 64। और यहाँ पर सार्वनुपात इसको किससे दर्शाते हैं? आर से। तो यहाँ ये कितना दे दिया है? आर बराबर यहाँ से हो जाएगा, आप इसको और भी हल कर सकते हैं, जैसे टी एन 64 दिया है, आर बराबर कितना दे दिया है? दो। एस एन बराबर कितना दिया है? 127। क्लियर है? अब यहाँ देखिए आर का मान दो है, तो दो क्या है? एक से बड़ा है कि छोटा? तो दो क्या है? एक से बड़ा है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एस एन में, एस एन बराबर कौन सा? ये ए आर की घात एन माइनस वन बटा आर माइनस वन। इसमें क्या होता है? आर बड़ा होता है एक से, तो दो क्या है? एक से बड़ा है। अब मान रखेंगे, देखिए ध्यान से, एस एन का मान कितना हो गया? 127। ए का मान हमको यहाँ पर अभी क्या है? ज्ञात नहीं है। देखिए ए का मान ज्ञात नहीं है, तो ए को ए लिख देना है। उसके बाद देखिए आर, आर का मान कितना दिया है? दो। तो दो की घात एन माइनस वन, बस आपको इस फार्मूले में रखना है आर, आर का मान फिर से दो, तो दो माइनस एक। अब देखिए 127, इसको वैसे लिख देना है, ए भी वैसी रहेगा, दो की घात एन भी वैसी रहेगा, वन भी वैसी रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ दो में से एक गया एक, अब नीचे में एक आता है तो उसको फिर लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 127 बराबर ये ए, ये दो की घात एन माइनस वन। क्लियर है? इसको हम क्या लिख देते हैं? समीकरण एक। ये समीकरण एक हो गया। अब देखिए एक और दिया था टी एन बराबर 64। तो टी एन का फार्मूला होता है ए आर की घात एन माइनस वन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टी एन बराबर क्या होता है? टी एन बराबर होता है ए इंटू आर की घात एन और माइनस वन। ये क्या होता है? इसका फार्मूला होता है। अब इसमें आप मान रख देंगे, टी एन की जगह क्या लिखेंगे? 64। यहाँ पर आप लिखेंगे टी एन के बदले 64, ए का ए रहेगा, आर का मान यहाँ से दो, तो हो जाएगा आर का मान क्या हो जाएगा? दो। और ये एन माइनस वन वैसी रहेगा। देखिए ये एन माइनस वन एक साथ है घात में, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसमें ये एन बस घात में है, एक घात में नहीं है ना, तो इसमें आपको याद रखना है। और इसमें एन माइनस वन घात में है, तो ये क्या हो गया? समीकरण दो। क्लियर हुआ इतना? हमको एन का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे? समीकरण एक और दो का भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ए और ए कट जाएगा। तो यहाँ से हम इसको बनाते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण एक भागी दो। यहाँ से हम करते हैं, देखिए मैं पीछे से जो समीकरण एक और दो था उसको एक साथ लिख दिया, अब क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। तो समीकरण एक भागी समीकरण दो, अब दोनों को आपस में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 127 बटा 64, इसको वैसी छाप देना है, ए दो की घात एन माइनस एक बटा ए इंटू दो की घात एन माइनस वन। क्लियर हुआ? अब देखिए ध्यान से, ए से ए कट गया, इसको ये नहीं कटेगा, कटाना तो ये नहीं कटेगा 127 बटे 64, इसको वैसी लिख देना। अब देखिए क्या बचा? दो की घात एन ये माइनस वन बटा दो की, अब देखिए दो की घात एन माइनस वन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दो की घात एन इंटू दो की घात माइनस वन, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको,
दो की घात एन माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, दो घात एन इंटू दो घात माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं घातांक के नियम से, ठीक है। अब ये हो जाएगा, देखिए अब यहाँ आपको समझना है इसका इसमें तिर्यक गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए क्या होगा, इसका इसमें ऐसे गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो ये हो गया 127 को वैसे लिखना है, ये दोनों ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोष्टक करना, दो घात एन इंटू दो घात माइनस वन इतना होगा और बराबर ये दो की घात एन माइनस एक, चौंसठ कहाँ जाएगा इधर आ जाएगा, क्लियर हुआ, इसका नीचे वाला ऊपर आ गया, इसका नीचे वाला ऊपर आ गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ से देखिए ध्यान से ऐसे हो जाएगा बराबर चौंसठ का गुणा इसमें करेंगे तो चौंसठ इंटू दो की घात एन होगा माइनस चौंसठ एकम चौंसठ होगा, ध्यान से देखिए चौंसठ दूनी 128 मत करने क्योंकि उसमें घात में एन है, तो चौंसठ इंटू दो की घात एन और चौंसठ एकम चौंसठ। अब इसमें देखिए यहाँ से देखिए क्या हो गया 127, ये हो गया 127, ये दो घात एन इसको वैसे ही रहने दीजिए दो की घात एन। अब यहाँ आप चाहेंगे जो दो की घात माइनस वन है ना इसको हम नीचे में ऐसे लिख सकते हैं दो की घात एक, ये घातांक के नियम से होगा, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्लियर हो गया इतना। अब आगे देखते हैं, अब यहां से क्या करना, हम ये एन वाले इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा या इसको रहने देते, देखिए ये हो गया चौसठ इंटू दो की घात एन इतना हुआ, ये माइनस चौंसठ को हम इधर ले आते हैं तो माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको हम इधर ले आते हैं तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा माइनस 127 इंटू दो की घात एन बटा क्या हो गया दो, देखिए क्या किया ये माइनस उल्टा क्या हो गया प्लस, ये वाला इधर आया तो प्लस उल्टा माइनस। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है दो की घात एन, तो दो घात एन को आप कॉमन निकाल देंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, देखिए अंदर बचा चौंसठ माइनस 127 बटा दो, इसका इसका इसमें तिर्यक गुणा होगा, ये चौंसठ को आप लिखते जाना तो ये हो गया दो की घात एन, चौंसठ दूनी क्या हो जाएगा 128 माइनस 127 और बटा में दो बचा रहेगा ये पूरे का बटा दो, चौंसठ दूनी 128 माइनस 127 बटा दो ये चौंसठ हो गया, इस दो का इसमें फिर से गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया चौंसठ दूनी फिर से 128 हो जाएगा बराबर ये दो की घात n, 128 में से 127 गया तो एक बचेगा, अब एक को लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि उसको गुणा होगा तो उतना ही हो जाएगा, जैसे यहाँ पर एक बचेगा ना एक तो इसको गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। अब 128 को हमको दो के घात के रूप में लिखना है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस दूनी चौंसठ, चौंसठ दूनी 128, देखिए दो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस दूनी चौंसठ, चौंसठ दूनी 128 और दो की घात एन। क्या है अगर यहाँ दो आया है तो आपको ध्यान देना है इधर दो ही आना चाहिए, तो ये कितना आया एक दो तीन चार पाँच छः सात, मतलब कितना हो गया दो की घात सात बराबर दो की घात एन, दो और दो आधार समान है तो घात भी क्या होगा समान होगा, तो यही क्या है एन बराबर क्या आ गया सात, यही क्या है इसका उत्तर है, हमको एन का मान निकालना था तो ये निकल गया, क्लियर हुआ। आपको थोड़ा यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ से तिर्यक गुणक ये है ना, एक घातांक का नियम लगा है, एक ही घात माइनस एम का क्या होता है नीचे में आता है तो एक घात प्लस हो जाता है, ये दो वाला ये माइनस का इधर लाया तो प्लस हो गया, ये प्लस वाला इधर आया तो माइनस हो गया, फिर ये कॉमन निकालना दो घात एन को तो चौंसठ ये बचा बटे में दो तिर्यक गुणा हुआ, ऐसा आपको समझना है, ठीक है, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, बाकी तो आसान है गणित, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो कोई भी सवाल आपसे ना बनता हो आप बिल्कुल उसका पिक क्लिक करके आप मुझे भेज सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा।